अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम्स की थी, 2.6 एंड 2.7 प्रॉब्लम जो है ना वो हमने एक्सरसाइज की थी। आज हम नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। और आज जो प्रॉब्लम है इसकी, यानी प्रॉब्लम नंबर 2.8 इज द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन इज, ये आप अपनी बुक पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i + 2j। यानी आप वर्क मालूम करें, वर्क निकालें, जबकि कुवत लगने का जो नुक्ता है, जहां पर कुवत लग रही है, अगर वो हो 3i + 2j। ठीक है जी। और मूव्स इन दी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-1 टू द पॉइंट 6-4। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं। मैं इसकी अभी बात भी करता हूँ, डायग्राम भी बनाएंगे हम, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। हमारे पास जो फोर्स है, देखिए वो गिवन है कि जो कुवत है, कुवत क्या है, कुवत एक पॉइंट पर लग रही है, और वो कुवत जो है, द फोर्स इज, यानी गिवन क्या है जी, लेट्स गिवन, गिवन क्या है, गिवन इज नंबर वन द फोर्स, फोर्स गिवन है, फोर्स क्या है जी, फोर्स की वैल्यू गिवन है 3i + 2j, और ये साथ होगा न्यूटन, शूटन नहीं लिखा हुआ, फोर्स जो है डेफिनेटली न्यूटन से होती है, और यहाँ पर न्यूटन आना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लिखा हुआ, सो हम भी इसको यूनिट्स नहीं साथ देंगे। हालांकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ उसके यूनिट्स होते हैं। बहरहाल चले, कोई ऐसी बात नहीं। ये आपके पास फोर्स है और ये लग रही है एक ऑब्जेक्ट पर। फर्ज करें, मैं सपोज करता हूँ जी कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसके ऊपर मूव करेगी। अगर ये फोर्स जो है, ये फोर्स, अब चल, ये फोर्स है जी, ठीक है जी, ये फोर्स लग रही है, दिस इज फोर्स जो इसके इस पॉइंट पर लग रही है ना, तो बॉडी जो है ये फोर्स की डायरेक्शन है और बॉडी जो है वो इधर मूव करेगा। अगर यानी बॉडी जो है वो यूं मूव करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है, ये वाला जहाँ से स्टार्ट करता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2-1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6-4। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट्स को मतलब अपनी नज़र में नहीं रखा कि मैं डायग्राम जो है ना वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो जो सॉरी उसके होती है क्वाड्रेंट के, वो बनाऊँ, तो वो मैंने फ़िलहाल नहीं बनाई। अगर उसका भी बनाते तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सिंपल डायग्राम आप बना लें इसको, इसकी डायग्राम ऐसे भी चलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि जी आप वर्क निकालें, फाइंड आउट द वर्क डन। चलिए जी, वर्क डन निकालते हैं, बड़ा सिंपल है बच्चों। आप जानते हैं वर्क डन किसके बराबर है, गिवन ये है, मालूम हमने करना है वर्क, सॉरी वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वर्क डन हमने निकालना है, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन एक्चुअली किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है जी, अब हम सॉल्यूशन करेंगे जी, सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, नीचे करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, कि वर्क डन फाइंड आउट करना है जो कि होता है F.D। आप जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डी जो डिस्प्लेसमेंट है, डी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कहाँ से निकालेंगे, फोर्स तो गिवन है, डी कहाँ से निकालेंगे, डी निकालेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। और इसको कैसे मालूम करते हैं,
ए, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला भी आपको लिख के दे चुका हूं, आप उस तरह इस डी को डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। वेयर लें जी, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो एफ है ये क्या है, ये है 3i प्लस 2j, और डी जो है ये किसके बराबर है, ये कैसे मालूम करना है आपने जी, ये ऐसे मालूम करना है, मैं आपको बता चुका हूं फार्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट का। अब आपने, मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है, जब हम ये वाला काम कर रहे थे, बल्कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको लिख के दिया था। तो इसका होता है जी 2x माइनस 1x आई हैट प्लस, सॉरी, एक्स टू माइनस एक्स वन आई हैट प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यस, और साथ आएगा जे हैट। अब देखिए इनमें x1 x2 के, देखिए ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, बॉडी पहले यहां पर था फिर इधर गया, इसका मतलब है इसके पॉइंट्स को कहेंगे x1 y1 और इसके पॉइंट्स को कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x2 y2, ठीक है जी। देखिए अब पहला पहला दोनों का x है और दूसरा दूसरा दोनों का y है, इसको इधर पुट कर दें, x2 क्या है बच्चों, x2 है 6, चलिए जी 6 आ गया, माइनस x1, x1 क्या है 2, माइनस टू, और साथ क्या आएगा आई हैट, और ये यहां पर आएगा प्लस। अब वाई टू की बात करते हैं जी, वाई टू क्या है, वाई टू है जी 4, ये 4 आ गया, उसके बाद माइनस आ गया। अब वाई वन क्या है जी, वाई वन है माइनस वन, यानी वाई वन जो है वो माइनस वन है, यानी वाई वन की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस वन, और साथ क्या आएगा जी, ये जे हैट आएगा, ठीक है जी। चलें जी इसको मालूम कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, 6, जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4 आई, क्योंकि इसके साथ आई है तो साथ आ जाएगा आई प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 प्लस 1 आएगा जो 5 हो जाएगा, प्लस 5 जे, तो ये आज आपके पास क्या आ गया जी, डी। अब F भी मालूम हो गया, D भी मालूम हो गया, अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, W इज इक्वल टू F क्या है जी, 3i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 5j, ठीक है जी। तरीका वही है जो आपको बताया हुआ है कि आप i के, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 कितना होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, प्लस 2 को 5 से करेंगे क्या आएगा 10, ठीक है जी। तो यही आपका आंसर है, जो के इसके साथ लिख देंगे यूनिट, और ये कितना आ जाएगा 22, 12 प्लस 10 22 यूनिट्स। चलिए जी, तो ये आपका आंसर जो है, वो क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो गया है, ठीक है जी। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर, और इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आप वर्क डन निकालें, वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ इज इक्वल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। F क्या है, इज गिवन, D जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं था, पॉइंट्स गिवन थे, हमने पॉइंट से D निकालना था, और मैंने आपको फार्मूला लिख दी है, हमेशा D का फार्मूला यही होता है, D को दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका फार्मूला यही है, ठीक है ना, जिसको आप R भी लिखते हैं, मैंने लास्ट उधर R लिखा था, लेकिन यहां पर मैं D लिख रहा हूं, तो D R ये बस ऐसे ही लिखा जाता है, D भी डिस्प्लेसमेंट होता है, R भी डिस्प्लेसमेंट होता है, R स्पेसिफिकली हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है जी, तो इसलिए वो पोजीशन वेक्टर होता है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है। चलिए जी, ये भी न्यूमेरिकल, जब आप एफ और डी निकाल लेंगे और उसके बाद आप डब्ल्यू निकालेंगे, एफ डॉट डी, तो इनको सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट के तरीके से, तो आपके पास ये आ जाएगा। सो वी हैव डन दिस प्रॉब्लम नंबर 2.8, नाउ द प्रॉब्लम नंबर 2.9, प्रॉब्लम नंबर 2.9, और इसमें देखिए क्या गिवन है जी, प्रॉब्लम नंबर 2.9 में
देखिए क्या गिवन है, ये देखिए, इससे पिछला जो न्यूमेरिकल हमने किया है जिसके अंदर हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम किया है, ठीक है जी, वो भी डॉट प्रोडक्ट का था। वर्क डन जिसमें मालूम किया ये भी डॉट प्रोडक्ट का है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना ये भी डॉट प्रोडक्ट का है। चले जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.9, शो दैट द थ्री वैक्टर्स i प्लस जे प्लस के और 2i माइनस 3j प्लस के और 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो कह रहे हैं जी आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, इनको आपने शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर कौन कौन से हैं, आपने साबित ये करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के साथ, तीनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं, मतलब पहला दूसरे, जिस तरह एक्स वाई जी जो एक्सेस हैं ये एक दूसरे के साथ, मतलब ये एक्स है ये जी है, ये आपस में 90 का बना रहे हैं, ये जी है ये वाई है, जी और वाई आपस में 90 का बना रहे हैं, ठीक है जी, और ये वाई है ये एक्स है, एक्स और वाई जो है वो 90 का बना रहे हैं, तो आपस में तीनों जो हैं म्यूचुअली 90 के एंगल बना रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है, पहले तीन वेक्टर्स लिख लेते हैं, बाद में इनकी परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं। वेक्टर्स आर, हम सपोज करते हैं जी कि गिवन वेक्टर्स आर, ए वेक्टर जो है ना वो आपकी बुक में दिया हुआ है जी, गिवन एस, ये सारी चीज़ें गिवन हैं। क्या क्या गिवन है जी, ए गिवन है, ए क्या है, ए है जी आई प्लस जे प्लस के, बी दूसरा वेक्टर है जी ये है 2i माइनस 3j प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के, ये तीसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है जी। एंड देन थर्ड वेक्टर c इज, ये उन्होंने बुक के अंदर ना नेम्स नहीं लिखे हुए, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, सिर्फ ये लिखे हुए थे, ये और ये तीसरा जो मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो हमने इनको ना खुद ही अपनी तरफ से नाम भी दे दिए हैं a b c, ठीक है, और ये आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 4i प्लस जे माइनस 5k, ये जी तीन वेक्टर्स हैं, और शो हमने ये करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कैसे शो करेंगे, हमने डॉट प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स थे वो पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है इफ टू वेक्टर्स, यहां से सॉल्यूशन शुरू करना है, ये सॉल्यूशन में लिखना है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी, देन द ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो। यानी क्या करेंगे हम, उनकी परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि उनका हम डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो उनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी होता है, और अगर ए डॉट बी सॉरी एंगल 90 का हो तो ए डॉट बी जीरो होता है, और अगर ए डॉट बी जीरो हो तो एंगल 90 का होता है, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। से तो इससे आपने मालूम करना। तो अब क्योंकि हमें वेक्टर्स गिवन है और हमने जो है बताना है कि ये एंगल इनका कितना है, तो एंगल यहां से निकल जाएगा, अगर ए डॉट बी जीरो आएगा तो इसका मतलब उनमें एंगल, वेक्टर्स में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। चलिए जी, तो यूं भी ये मालूम करने जी, ठीक है, और आप फिर क्योंकि ए को बी के साथ परपेंडिकुलरिटी शो करनी है, बी की सी के साथ करनी है, ठीक है जी, और सी की ए के साथ करनी है। अगर ये तीनों आप साबित कर दें, ये तीनों ही हमने निकालने हैं, अगर आप ये तीनों साबित कर दें तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इनमें से मैं ये वाले दो निकालूंगा, मतलब पहला और दूसरा मैं निकालूंगा, तीसरा आपने खुद ही ट्राई कर लेना, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने निकालना है, पहले मैं ए डॉट बी निकालता हूं जी। ना ए डॉट बी किसके बराबर आएगा जी, ये होना जीरो के बराबर चाहिए, साबित मैंने ये करना है कि ए डॉट बी जीरो है। मैं चेक करता हूं कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए क्या है, ये है जी आई प्लस
जे प्लस के, ये है जी ए वेक्टर, और डॉट लेना है बी के साथ, टू आई, टू आई माइनस थ्री जे, यस थ्री जे, और साथ प्लस के, यस ये। चले जी निकाले, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका वन है इसका टू है, टू वन जर टू, ये टू आ गया जी, प्लस जे को जे के साथ करना है, ये प्लस वन है ये माइनस थ्री है, तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आंसर आएगा जी, वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री आंसर आएगा, प्लस ये आएगा के को के साथ करना है, के भी वन है, ये भी के वन है, ये भी के वन है, और वन का वन आएगा, ये वन आ गया। अब आप मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये हो जाएगा तीन, दो और एक तीन, माइनस तीन, और तीन माइनस तीन क्या होता है, मेरा ख्याल है आपको पता है कि ये जीरो होता है, ठीक है जी। तो क्या मतलब है, दैट इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये साबित हो गया जी, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, यानी ये जीरो आ गया, इसका मतलब है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी अगर आप यू सीधी लाइन लगा के यू लगाते हैं, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर टू बी। अब मैं जी ये तो मैंने चेक कर लिया है कि ये वाकई परपेंडिकुलर है, अब मैं ये चेक करता हूं, यानी बी डॉट सी चेक करना है जी, बी डॉट सी चेक करेंगे, बी क्या है, बी ये है जी, टू आई माइनस 3j plus k, right? This is b, and now the c is 4i plus j minus 5k. ले जी, इसको आप अब फाइंड आउट करें, ये कैसे करेंगे बेटे, इसका x को यानी i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, j j के साथ होगा, k के साथ होगा, करें जरा जी, 2i और 4i आपस में मल्टीप्लाई होंगे दो चार बार, कितना हो जाएगा, 8 आएगा जी आंसर। अब 3j और ये माइनस थ्री, और j और j को मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस थ्री आएगा आंसर, माइनस थ्री और 1 माइनस थ्री, और ये 1 और माइनस फाइव, माइनस फाइव, तो ये किसके बराबर आ गया है, अब आप समझे, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये प्लस वाला है, 8 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 5 8, ये वाला 8 ऐसे ही आ गया 8, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका क्या मतलब है जी, दैट इंप्लाइज बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब एक आपने चेक करना है, ये वाला आपने सी डॉट ए जो है ये आपने खुद ही चेक कर लेना है, इसी तरह जिस तरह मैंने किया है, और फाइनली आप इसी तरह लिखेंगे, देन फाइनली आप क्या लिखेंगे, जब आखिर वाला ये निकाल लेंगे इसी तरह, यानी सी डॉट ए निकाल लेंगे, इधर लिखेंगे, और फाइनली क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये साबित हो गया, यही हमने साबित करना था, ये साबित हो गया कि ये आपस में तीनों वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं। चले बच्चों, दोनों न्यूमेरिकल हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब इतना ही बहुत है आज के लिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इनकी उतनी देर तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।